ईआरपी के फायदे तो नजर आ रहे हैं हमें, नुकसान क्या है? देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास जो ईआरपी के साथ है वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। आपने जो बना दिया जैसा बना दिया अब ये उसी के अकॉर्डिंगली ही चलेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने एक सिस्टम बना दिया, ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये है कि अगर एक स्टूडेंट ने अपनी फीस पूरी पे नहीं की है तो क्या होगा, उसका पैनल लॉक हो जाएगा जब तक वो फीस पे नहीं करता, ठीक है। फीस पे करेगा तो पैनल अनलॉक होगा। अब हुआ क्या है, अचानक से हालात खराब हो गए, तमाम चीज़ें बंद हो गई, पूरा सिस्टम लॉकडाउन हो गया, तमाम सब लॉकडाउन हो गया है। अब कोई चांस ही नहीं कि वो बाहर निकल के पे कर सके, अब सिस्टम लॉक हो चुका है। अब वो चाहते भी हैं कि भाई इसको किसी तरह से हम नेक्स्ट सेमेस्टर में एनरोल कर लें, या इसको कहते हैं कि भाई इस फीस को हम नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पूरे के पूरे सिस्टम में चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो हम बहुत सोच समझ के तमाम एस्पेक्ट्स को लेके फिर हम इसको डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे होते हैं अंडरस्टैंड द फिट प्रॉब्लम, क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठता है या नहीं बैठता, ठीक है। क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, बेस्ट सुटेबल है या नहीं है, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या क्या हैं। अगर वो सब चीज़ें मैच हो रही हैं तो ये फिट होगा, वरना नहीं होगा। यही हो रहा है कि ज़्यादातर हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ईआरपी के वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, डाउटफुल बेनिफिट्स रियलाइजेशन। हम एक्सपेक्टेशन तो बहुत रख रहे होते हैं बट जो हमें डिलीवर होता है तब कहते हैं यार से फ़ायदा क्या हुआ हमें, क्यों, क्योंकि हमने उसके बेनिफिट्स को मेजर नहीं किया होता, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। देखो ईआरपी सिस्टम इतना चीपर नहीं होता कि आपने बस परचेज कर लिया आंखें बंद करके, ठीक है। तो काफ़ी कॉस्टली होता है, और अपनी कॉस्ट लगा रहे होते हो तो उस कॉस्ट से पहले आप मेजरमेंट करते हो कि भाई हमें इस कॉस्ट के बेनिफिट्स कहाँ कहाँ किस किस तरह से ड्राइव होने हैं, और इसको मेजर करते हैं हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में कि भाई हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आइदर कॉस्ट सेविंग होगी, या हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कितना हमें एडवांटेज मिलेगा, तो हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। द ट्रू ओरिजिन ऑफ द बेनिफिट्स अगर हमें हैं तो ठीक है, वरना हमारे लिए बेकार है। तो सिर्फ हम ये नहीं देखते कि नहीं यार हम यहाँ पे सिस्टम लेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कितना फायदा होगा, कितना अच्छा होगा, हमें मेजर करना लाजमी है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट ऑफ फंड इन वाइड सेंस, किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो अगर ईआरपी सिस्टम आ रहा है तो सबसे पहले हमारे जो इफेक्ट होंगे वो कौन होंगे, पीपल। पीपल कौन हो सकता है, हमारे पास हमारे अपने एम्प्लॉयज। तो अगर सबसे पहले आता है हमारे पास तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो एम्प्लॉयज पे आता है। मोस्टली जब भी आप कोई चेंज एडप्ट करने जा रहे होते हो तो लोग रेजिस्ट करते हैं, स्पेशली आपके एम्प्लॉयज। तो आपको एक रेजिस्टेंस भी मिलेगी, आपको ट्रेन करना है, आपको मोटिवेट करना है, आपको बताना है भाई इस तरह से ये होगा। फिर आपके पास क्या है, आपके क्लाइंट्स भी अफेक्ट होंगे, सप्लायर्स भी अफेक्ट हो रहे होंगे, पार्टनर्स भी अफेक्ट होंगे, तो आपको इन सबकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है। अब आप हर एक को तो ट्रेन नहीं कराओगे, आप कितने क्लाइंट्स को ट्रेन करा लोगे या सप्लायर्स को ट्रेन करा लोगे। तो आप बेसिक से एक उसके बना लेते हो ट्यूटोरियल कि भाई इसको देख लें इस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, या अगर कोई आपको इशू है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। बट जो इम्पैक्ट करेगा वो सबको करेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा। साथ में फिर हमारे पास क्या है, कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट मॉनेटरी भी हो सकती है, कॉस्ट नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, ठीक है। मसलन आई पास इन डॉलर अमाउंट, आपके पास कॉस्ट लग रही है मॉनेटरी फॉर्म में, पता हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व है, डॉलर अमाउंट में आ रही है। फिर इसके अलावा क्या है, टाइम इन्वॉल्व है। देखो इसको एनालाइज करना कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कराना और फिर उसको फंक्शनैलिटी में लेके आना बहुत टाइम लगता है। फिर आप क्या करोगे, आप उनकी रिक्वायरमेंट देखो भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हर डिपार्टमेंट से हर एक से आपने रिक्वायरमेंट लेनी होगी, उस रिक्वायरमेंट लेने में बहुत टाइम लगता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक स्ट्रक्चर बना लोगे।
फिर मैं स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगी कि भाई ये चीजें हैं, इस तरह से डेफ लो होगा, यहाँ आ जाएगा। अगर इसके अंदर ही किसी ने कोई गलती कर दी तो पूरा ईआरपी सिस्टम फेल हो जाएगा। वंस ये पूरा फाइनलाइज होता है, सब सही लग जाता है, तो फिर आप इसको एडॉप्ट करना शुरू करते हो, इस पर आप डेवलप करना शुरू करते हो। डेवलप करने के बाद आप इसको पायलट टेस्टिंग कराता है, पायलट टेस्टिंग करते हो, आप थोड़ा थोड़ा इसको ट्राई करते हो, डेटा डालते हो, चेक कर रहे होते हो, पैरेलल चलाते रहो अपने सिस्टम के साथ। अगर ये सही चलता है तो ठीक है, और अगर फिर फ्लॉज आते हैं तो आप इसको एडजस्ट कर रहे होते हो। जब सब चीज़ें डन हो जाती हैं, ओके रहती हैं, तो फिर इसको लॉक कर दिया जाता है। एक बार ही लॉक हो गया, अब इस पर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब चेंजेस नहीं हो सकती। ठीक है, अब चूंकि जो लोग हैं वो एक पुराने सिस्टम से बहुत काफ़ी टाइम से यूज टू थे, जब वो इस नए सिस्टम पे आएंगे तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत कम होगी, और वो आहिस्ता 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 सीखते जाएंगे टाइम के साथ साथ, ट्रेन हो रहे होंगे। कंपेयर करें तो जो टाइम जो पुराने सिस्टम पे काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा था, तो इसका लर्निंग कर्व हमारे पास जो है वो अफेक्ट होता है अगर हम कंपेयर करें दो सिस्टम्स को। फिर जब ये सिस्टम सही चल रहा होगा पैरेलली, तो फिर आप पुराने सिस्टम के सारा इन्फॉर्मेशन, इस सिस्टम की तमाम थी अपने पायलट टेस्टिंग के दौरान डेटा एंट्री की थी, वो सब रिमूव करेंगे और फिर इसको एडॉप्ट करना शुरू करेंगे। आप जो पुराने सिस्टम पर डेटा था पहले वो इस पर लेके आएंगे, फिर आप नए डेटा को साथ में इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है इसका वर्जन कंट्रोल। क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ साथ हमें नई नई चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हमें आगे बढ़ना होता है, हमें चेंजेस चाहिए होती हैं, एडॉप्ट करनी होती है, मार्केट के साथ चलना होता है, जबकि प्रॉब्लम क्या है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ईआरपी के इश्यूज हैं। ठीक है, प्रॉब्लम बेसिकली जनरेट होती कहाँ से, देखो ये तो हमने देख लिया एक जनरल इश्यूज कि भाई क्या है, तो इन डेप्थ में आते हैं प्रॉब्लम ओरिजिनेट कहाँ से होती है। इन प्रिपरेशन फेज फॉर द प्रोजेक्ट, आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं मगर उसकी प्रिपरेशन में ही आपके पास क्या आ गए, आपने गलतियां की हुई हैं, आपके पास डेटा सही अवेलेबल नहीं है, आपको सही नहीं पता है वो डिपार्टमेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो डेटा आएगा कहाँ से, कहाँ जाएगा, इसके और क्या क्या आपके पास यूजेस हो सकते हैं। लैक ऑफ मैनेजीरियल अवेयरनेस ऑफ रिस्क अपॉर्चुनिटीज, आपको ही पता ही नहीं है आपके पास क्या है, आपने कभी सिस्टम बनाया है। ठीक है, आप उस सिस्टम को सिर्फ इस एस्पेक्ट से देख रहे हो, भाई हमारे पास डेटा रिकॉर्डिंग हो जाएगी, हमें आराम से जो जो भी डेटा हमें चाहिए होगा रिट्रीव हम आराम से कर सकते हैं। आपने इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है कि आप इसके और क्या क्या बेनिफिट्स ड्राइव कर सकते थे, आपको और किस किस एस्पेक्ट की जरूरत पड़ेगी, अब ये तमाम एरियाज को इग्नोर कर दिया, अब आपको पता ही नहीं है कि आप किसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो। एक बार बन गया, अब गिर गया, मुझे तो इसमें ये भी चीज़ चाहिए, अब मेरे पास ये रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही है, अब मुझे इसको इस तरह से चाहिए, बट वंस ये कंप्लीट हो गया अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू सिलेक्ट सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, SAP है हमारे पास, ऑरेकल है हमारे पास, पीपल सॉफ्ट है, बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको देखे बगैर हम कहते हैं अच्छा मार्केट में ये अच्छा चला, चलो वो ले लेते हैं, हम ये नहीं देखते हमारे लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल है, अपने रिक्वायरमेंट्स को हम मैच नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अब लाजमी नहीं है कि इंडस्ट्री जितनी भी इंडस्ट्री हो, आपकी हर इंडस्ट्री आपकी इंडस्ट्री हो, आपकी इंडस्ट्री है वो आपसे मैच कर रही हो सकता है आपका साइज इंडस्ट्री से बहुत छोटा हो सकता है कि आप लीडर हो और आप किसी छोटी फर्म को देख रहे हो। ठीक है, तो आप ये करना है, आपको ये अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। लैक ऑफ विजन ऑफ द बिजनेस इम्पैक्ट, आपके पास क्या है, विजन नहीं है कि भाई इसके आगे होगा क्या, इम्पैक्ट किस किस तरह से कर रहा होगा, कहाँ कहाँ कर रहा होगा, क्या क्या हम इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या क्या हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस आएंगे। तो हमने जब तक इसके प्रॉस एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई नहीं किया और हम इसको अडॉप्ट करने जाएंगे तो हम आखिर में फंस जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, रॉन्ग स्कोप। बेसिकली स्कोप क्या होता है, हमारी लिमिटेशन होती है कि हमारे पास एरियाज कौन कौन से एरियाज हम कवर करेंगे, किस किस एरिया पे हमें जाना है, किस साइड पे हम क्या कर रहे होंगे, कहाँ पे बेनिफिट उठाएंगे, किस तरह रिपोर्टिंग हो रही होगी, सब तमाम चीज़ें किस बारे होंगी, स्कोप में आ रही होंगी, हमने वो स्कोप ही गलत डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम देखा था हम भाई इसमें ये और चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक
है, हमें क्या करना है, हमें एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट तक फॉरवर्ड करनी है, मगर हमने जो लिंक बनाया है वो लिंक ही सही नहीं है, हमने स्कोप ही सही से डिफाइंड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हमें इसका स्कोप सही डिफाइन करना होगा, तो हम इसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना हम फंस जाएंगे। फिर हमने क्या किया, हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे, हम इसको सही से एनालाइज करते, हमने क्या किया, हमने कहा भाई ठीक है जो भी है इसी फंड्स के अंदर जो मिल जाए वो ले लो। हमने क्या किया, हमने एनालाइज ही नहीं किया भाई, अगर हमारे पास इतने फंड्स नहीं है तो अभी नहीं जा सिस्टम पे, थोड़ा वेट कर लो, जब इतने फंड्स हो जाएं फिर चले जाओ। मगर ये इस तरह की बात है कि आपने फंड्स को जाया करने वाली बात, आप क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट लगाएंगे, उसको चलाते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, एट दी एंड क्या होगा, आपके 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद वो सारी की सारी कॉस्ट जाया हो जानी है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि थोड़ा वेट कर लें। ठीक है, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रॉन्ग टीम। आपने क्या किया, इस प्रोजेक्ट के लिए टीम सेलेक्ट की वो या तो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी, या वो मेंटली तौर पे इसके अगेंस्ट थी, वो चाहते ही नहीं थे कि ये अडॉप्ट हो। ठीक है, या तो इतने कॉम्पिटेंसी की प्रॉब्लम है, या उनके एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, या उनके जो है वो किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, अगर वो टीम ही ठीक नहीं है तो आपका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो ही नहीं सकता। तो आपको इन तमाम फैक्टर्स को फोकस करते हुए फिर आप अडॉप्ट कर रहे होते हो। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स कहाँ से कलेक्शन करेंगे, भाई हमें चीज़ें चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो हमें चाहिएगी रिक्वायरमेंट्स, किसको क्या ज़रूरत है, हम किस तरह करेंगे, हम इंटरव्यूज विद द की इंडिविजुअल्स, भाई आप क्या काम करते हो, अच्छा भाई कौन सा डेटा चाहिए होता है, कहाँ से आता है, किसको देते हो, इससे क्या क्या आप काम कर लेते हो, अच्छा इसके अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट करवाते हो, वगैरह वगैरह, तब तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं जितने भी क्या है की इंडिविजुअल्स से। ठीक है, तो याद रखें की इंडिविजुअल्स, ये आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, आपके असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, लीडिंग फंड हो सकते, आपके पास लीडिंग जो है आपके पास रेजिग्नेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो की इंडिविजुअल्स या कोई ऐसा लोग जो डेटा एंट्री वाला काम नहीं कर रहे उनसे हो गया, क्योंकि डेटा एंट्री का तो आप पता है भाई इसमें क्या क्या डेटा आना चाहिए, डेटा एंट्री करवानी है तो सिंपल सा है, तो आप की इंडिविजुअल पे फोकस रखोगे। आपसे आपने उनसे इंटरव्यूज करा लिए, और क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटीज, अच्छा भाई आपने पूछने के अलावा आपने ऑब्जर्व करें ये क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह काम हो रहा है, पूछ नहीं रहे ऑब्जर्व करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जो उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हों उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाए, या वो ऐसा काम है जो डेली रूटीन में करते रहते हैं, इतना यूज्ड टू है कि उनको याद ही नहीं रहे बताना, अब बार बार एक काम करते रहते हो आपको वो काम काम ही नहीं लगता, तो सब वो स्किप हो सकता है, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को, क्योंकि उनकी तरफ से तो छोटी सी एक मिस्टेक है, एरर है। ठीक है, मगर ये पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट ले डूबेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनके इंटरव्यूज भी नहीं देते, हम उसकी ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कंसल्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं भाई, अच्छा इस डॉक्यूमेंट के अंदर अकॉर्डिंगली ये क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, अच्छा ये क्या काम कर रहा है, अच्छा ये जो ये इन्होंने यहाँ से कहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, तो उसका पूरा बेसिकली स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, फिर हम सर्वेस करते हैं, ठीक है बाकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चल रहा है, क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए, आपने अपने लोगों से पूछ लिया कि भाई आपको इस सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, या आपको क्या इसमें फ्लॉ नज़र आते हैं, तो अब आप इसमें किस तरह से बेहतरी लाना चाह रहे हैं, तो आपने वो तमाम चीज़ें कर ली। ठीक है, अब आप ये करेंगे किससे, टारगेट ऑडियंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्टाफ, क्योंकि यही बेस ज़्यादा जब जो सिस्टम को यूज़ करने वाला है वो स्टाफ है। फिर ये तो हो गया हमारे पास इंटरनल की बात, अगर हम एक्सटर्नल की बात जाएँ तो हमारे पास सप्लायर हैं, कस्टमर्स हैं, आप उनको भी इसमें इंगेज कर सकते हैं। देखिए मसलन हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सप्लायर का पूरा डेटा हो, कि हमारे पास एक सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम हो, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, वो करे क्या, हमारे पास सप्लायर्स को मेंटेन कर रहा हो, जो भी उन्होंने कोटेशन दिए, जो भी उनकी रिजेक्शन हुई है, आप उसकी बेसिस पे क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये सप्लायर मेरे लिए कितना इफेक्टिव है, हम लीड टाइम आइडेंटिफाई कर सकें, अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ जाती है अचानक से तो हम क्या कर सकें, हम लीड टाइम के अकॉर्डिंगली कस्टमर निकाल सप्लायर निकाल लें, मगर उसमें भी हम क्या कर लें, उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से हम उनको अरेंज कर लें, इस तरह से कस्टमर्स हैं,
ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टारगेट ऑडियंस हो सकती है जो ये सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो तरह के हैं, ह्यूमन एरर और फेलियर, ठीक है। ह्यूमन एरर बेसिकली कहां से होता है कि इंक्लूड एक्ट्स डन विद नो मेलिशियस इंटेंशन, आपका कोई गलत काम करने की इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, ऐसे ही हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, गलती से हो गया, बाय चांस हो गया। इसकी वजह क्या सकती है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस है, या आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी, ठीक है, या आपने पहले से ही कुछ अजम्पशन सोची हुई थी कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो गलत अजम्पशन थी, ठीक है, या कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, या आपके पास जो काम हो सकते हैं उसमें खराबी आ सकती है। बट ये हमेशा क्या होगा, ये इसके आपके पास कोई इंटेंशंस नहीं होंगे, ठीक है। Employees are the greatest threats to the information security. They are closest to the organization data. ठीक है, तो आपको सिर्फ data अगर available होगा सारा का सारा और वो हर employee को नजर आ रहा होगा तो definitely security breach होने का खतरा रहेगा। तो हम करते क्या है, हम हर एक को restrict कर देते हैं, भाई आपकी requirement क्या है, हम सिर्फ वही data दे रहे होते हैं। मसलन हमारे पास customer का data है, ठीक है, अब उस कस्टमर के डेटा से प्रोडक्शन वालों का क्या काम, उनको हम सिर्फ बता देंगे भाई इतने यूनिट्स ये किसके बनाने, किसके लिए बनाने हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन इतनी रेलिवेंट नहीं है। एचआर का डिपार्टमेंट, एचआर वालों को सिर्फ क्या ताल्लुक, उनका जितना भी है उनका सिर्फ ये है कि भाई एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस, तो आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस ये इस तरह मेजर कर सकते हैं, चलो आपने सेल्स को मेजर करना है, आपने कर लिया भाई इसने कितनी सेल्स की, उससे तो मुझे कर लेते हैं, कर सकते हैं, मगर सेल्स के आस पास जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है आपके लिए इररेलेवेंट है। तो हम क्या करें, हर इंफॉर्मेशन को हर एक के लिए अवेलेबल ना करें। एम्प्लॉयज मिस्टेक्स कैन इजीली लीड टू द फॉलोइंग, रिवीलिंग क्लासिफाइड डेटा, जो आपका आपका सीक्रेट डेटा था जो हर एक को शेयर नहीं होना चाहिए, मसलन आपके पास जो कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल के कस्टमर्स की जो आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, हर एक को शेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी की भी एम्प्लॉय की मिस्टेक की वजह से अगर ये शेयर्ड हो गई तो एक बड़ा इश्यू हो सकता है, ठीक है। इस तरह आपने क्या कर दिया, एक गलत डेटा डाल दिया, एड्रेस डेटा, ठीक है। अब डेटा ही आपने गलत डाल दिया तो जितने भी सिस्टम से वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो आगे भी वो सारा गलत ही इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड हो रही होगी, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास था 2000 यूनिट्स और 2000 जो यूनिट्स थे बेसिकली वो 2000 यूनिट्स ही थे, ये थे 20.00, वो दो डेसिमल थे। अब वो 20 यूनिट्स कितने बन गए, 2000 बन गए। अब अगर ये 2000 की हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड हुई है और प्रोडक्शन वाले 2000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर लेंगे जबकि 20 की रिक्वायरमेंट थी, अब क्या होगा, एक बहुत बड़ा मेजर फ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो किस वजह से हो रही है, हमारे पास एंट्री ऑफ एरोनियस डेटा, डेटा ही रिकॉर्ड गलत कर दिया, गलती से हमसे क्या हो गया, डिलीट हो गया या मॉडिफाइड हो गया। अगर डेटा बेस में ही हमसे गलती हो गई है, डेटा डिलीट हो गया हमसे या मॉडिफाई हो गया, तो फिर भी हम फंस गए। तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से इसके रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी है कि डेटा डिलीट और मॉडिफाई ना हो सके, हर एक के पास अथॉरिटी ना हो कि वो उसको डिलीट या मॉडिफाई कर सके। तो हायर अथॉरिटी पास जिसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सिर्फ उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, उसको डिलीट या मॉडिफाई कर सके, ताकि ये वाले इश्यूज रिजॉल्व हो सकें। स्टोरेज ऑफ डेटा इन अनप्रोटेक्टेड एरिया, आपने कहीं भी ऐसा रखा हुआ है जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है, इजिली किसी की भी रीच वहाँ मौजूद है, तो ये बहुत ही पास सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा रहेगा, ठीक है। या आप क्या करते हो, फेलियर टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपको ये देखो बहुत सेंसिटिव एरिया है, जितना भी डेटा है हर एक का वो डेटाबेस में मौजूद है और डेटाबेस एक्सेस हो रही है इस ईआरपी मॉड्यूलर सिस्टम के थ्रू, तो अगर हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी तो हम करेंगे क्या, हम एक बहुत ही बड़े फेलियर की तरफ मूव कर रहे होंगे। मैनी ऑफ द थ्रेट्स कैन बी प्रिवेंटेड विद कंट्रोल्स, तो हम करते क्या है, हम कंट्रोल मैकेनिज्म इम्पोज करते हैं। मसलन हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी कि हमारे पास जो राइट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे,
हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी कि भाई डिलीट जो राइट होगी, एडिट की अथॉरिटी होगी, वो सिर्फ ऐसे बंदे के पास होगी, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा उसके पास होगी। हमने क्या कर दिया, हमने कहा भाई हर सर्वर रूम में हर एक का एक्सेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने क्या कर दिया कि हमने कहा भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आपके पास जो फॉरवर्ड हो रही होगी, उसका रिव्यू होगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सही रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। या हमने इंटरनल ऑडिट रख दिया कि इंटरनल ऑडिट के थ्रू जाएगा और वो इंटरनल ऑडिट इंश्योर करेगा कि कोई मिस्टेक ना हो। तो आप डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स इसमें इम्पोज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।